अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोले स्वामी, जागे स्वामी। स्वामी मेरी व्यथा का शमन करें, अपने पिता दक्ष के व्यवहार के कारण आपकी ये चरण दासी उद्विग्न है। जागे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी सती, व्यथा, उद्विग्नता और अश्रु आपको शोभा नहीं देते। मुझे अपने पिता के महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें स्वामी। बिना आमंत्रण आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। पुत्री का पिता के समीप जाना अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल प्रजापति दक्ष की पुत्री नहीं, शिव संगनी भी है। आपके सम्मान से मेरी गरिमा और मेरे सम्मान से आपकी गरिमा जुड़ी है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति पत्नी दो नहीं एक हो जाते हैं। पिता के समीप जाने का उद्देश्य सम्मान प्राप्त करना नहीं है, अपितु जगदीश्वर शिव को महायज्ञ में आमंत्रित ना कर उनका अपमान करने का कारण जानना है। आप अपने उद्देश्य निर्धारित करके जा रही हैं, किंतु प्रजापति दक्ष के अहंकारी स्वभाव के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। मेरा वहाँ जाना परम आवश्यक है स्वामी। वहाँ जाना आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है देवी सती। मेरा अनिष्ट आपके सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता स्वामी। मेरे दुष्ट पिता की दुष्टता का आज मैं मूल कारण पता लगाकर ही रहूंगी। मैं उन ऋषियों को देखने की इच्छुक हूँ जिन्होंने श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव के अपमान के पश्चात भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होने का दुस्साहस किया। देवी सती, यदि आपने इस प्रकार वहां जाने का निर्णय कर लिया है तो आप एक महारानी की भांति मेरे परम अनुचर और वाहन नंदी पर सवार होकर शिव गणों के साथ दक्ष महल स्थित यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय
स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। माता सती की जय, हर हर महादेव। 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 माता सती की जय। इस महायज्ञ को रोके पिताश्री और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आओ सती, तुमने यहाँ उपस्थित होकर हमारी लाज रखी। पधारो पुत्री। मैं यहाँ पधारने नहीं आई हूँ माता श्री, अपने महान पति के अपमान का कारण पूछने आई हूँ। पुत्री सती, उस दंग धड़ंग श्मशान वासी शिव के अपमान का कारण पूछने से अब तनिक भी लाभ नहीं है। अपने अभिमान पर नियंत्रण रख पिताश्री। मुझे ये बताएं कि परम मंगलकारी यज्ञेश्वर शिव को आपने इस महायज्ञ में सम्मिलित क्यों नहीं किया? वे तो स्वयं यज्ञ, यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञकर्ता यजमान है। उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे संभव है? देवी सती, आप अपने पिता और कैलाशपति शिव का वैर भली भांति जानती हैं। इस परम मंगल महायज्ञ में सदाशिव की उपस्थिति किसी अमंगल का कारण न बने, इसी कारण हमने उनका आह्वान नहीं किया। महर्षि भृगु, आपका दुस्साहस दुष्टता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। मेरा क्रोध आपको इसी क्षण भस्म कर सकता है, किंतु मात्र भस्म हो जाने से आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। महर्षि दधीची के श्राप के कारण आपका जीवन यूं ही भस्म हो चुका है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम आदरणीय हैं। आप दोनों इस पाप अभिमान और अपराध के महायज्ञ में भागी कैसे बन गए? क्या इन दक्ष के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संधि खंडित हो गई है? बिना आमंत्रण तुमने मेरे महायज्ञ में आकर उचित नहीं किया सती। तुम्हारे ऊपर उस दंग धड़ंग श्मशान वासी शिव के साथ रहने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी उसी शिव की भांति अमंगलकारी होती जा रही हो। प्रजापति दक्ष, भगवान शिव की निंदा करने के कारण भविष्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। इस जीवन में भयंकर दुख भोगकर अंत में तुम्हें भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र इतना ही है ना, कि मैं तुमसे भयभीत होकर अथवा पुत्री के मोह में पड़कर भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले, नर मुंडों की माला पहनने वाले, गुरु वेशधारी उस श्मशानवासी शिव को आमंत्रित करूं? असंभव। उचित यही होगा कि तुम जिस प्रकार यहां आई हो उसी प्रकार लौट जाओ। बिना आमंत्रण के आपका यहां उपस्थित रहना उचित नहीं है, आप चली जाएं देवी सती। महादुष्ट ब्राह्मण, तू हमारे स्वामी के अपमान का सूत्रधार बन रहा है। क्या हम तुझे शाप देते हैं कि तू जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक और दक्षिणा के लोभी बनकर वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। क्रोध लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज भिक्षुक बन जाए। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम सब रुद्रगण वेद बहिष्कृत होकर
पाखंडवाद में उलझे रहो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, धन धड़ंग, हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरापान में आसक्त रहो। महामूर्ख दक्ष, क्या तू रुद्रगणों की भक्ति और शक्ति को नहीं जानता? भक्ति की शक्ति के कारण इन पर संसार के किसी ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू मेरा पिता है, मैंने ये शरीर तेरे अंश से प्राप्त किया है, किंतु शिव के अपमान के कारण ये शरीर भ्रष्ट हो गया है। इसका त्याग कर देना ही उचित होगा। आवश्यकता नहीं है नंदी, हम सब कुछ जानते हैं। महाप्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु, कहिए तो एक पल में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में ऋषि मुनि देवताओं तथा संसार को भस्म कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा पाने के लिए मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, मेरे लिए कौन सा संभव कार्य है? आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। महाकाय वीरभद्र, तुम इसी क्षण जाकर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस करो। आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। Ha 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 ha
सैनिको बंदी बना लो इसे। शिवशंकर, मेरे पति के अहंकार और अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं महेश्वर? ये आप क्या कह रही हैं देवी वीरनी? सत्य कह रही हूँ भोलेनाथ, सत्य। वैधव्य का कष्ट आपसे अज्ञात नहीं, एक स्त्री के लिए इससे अधिक दंड नहीं हो सकता। हम विवश हैं क्योंकि तुम्हारे पति दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है। उस घोर अपराध का दंड मैं क्यों भोगूं प्रभु? आप महान शिव भक्त, शिव पार्षद वीरभद्र से कहें कि वो मुझे भी मृत्यु दंड दे। यह संभव है देवी वीरनी। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? स्वामी के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी निम्न है। मुझे स्वयं मृत्यु स्वीकार करने की इच्छा है। आप वीरभद्र को आदेश दें। समय से पूर्व हम किसी के अंत का आदेश नहीं दे सकते। तो आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। ये आपकी भक्ति ने वीरनी की प्रार्थना और सती के माँ का आदेश भी है। आप हमारी पूज्य हैं देवी वीरनी, आपके तर्क न्याय सम्मत हैं। हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अवश्य वहाँ यज्ञ स्थल पर गए होंगे, वे मेरे पति का निश्चित ही उद्धार करेंगे।